सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। दुनिया के कोने कोने च बसदे मेरे पंजाबी वीरो ते भैणो, मैं डॉक्टर तनवीर गांधी पटियाले तो लोक सभा की चोण द्वारा लड़ रहा है। अज तुसी जानदे हो कि पंजाब किस तरह तरफे संकट का शिकार है। पंजाब की विद्या, पंजाब की सेहत, पंजाब का वातावरण, पंजाब की किसानी, पंजाब की जवानी सब खतरे मूह आए खड़े ने। पंजाब की होंद खतरे विच है और इस कारण होया कि क्योंकि पंजाब के साधना उत्ते भी पंजाब की सियासत उत्ते भी कुछ खानदानी परिवार ने, कुछ सियासी परिवार ने जो जकड़ पंजा मार रखा है, जो नागवाल पा रखा है, उस तो पंजाब नूं छुटकारा पदवाण दी लोड़ हैगी है। आने वाला पंजाब किस तरह होवेगा इस गल ते निर्भर करता हैगा कि पंजाब दे सियासी उत्तों ते पंजाब दे साधना दे उत्तों इन्हां दोवां परिवारां दी जो जकड़ हैगी है वह तोड़ी जानी चाहीदी हैगी है। ता ही पंजाब दे आम बंदे वास्ते, पंजाब दे आम शहरियां वास्ते, पंजाब दे गरीब लोकां वास्ते तरक्की दे भी, खुशहाली दे भी ते उन्हां दे सियासी सियासत विच हिस्सेदारी दे जो दरवाजे उह खुल्लणगे। मैं जो चोण लड़ रहा बड़ी अणसावी चोण हैगी है। एक पासे श्रीमती परनीत कौर जी है जिदे पिछे जिन्हां कोल पैसे की कोई घाट नहीं हैगी है, तन दौलत की कोई घाट नहीं हैगी है, पिछे गौरव सरकार उन्हां दी हैगी है, सरकार जो सरकार का सारा जो बल हैगा, जो शक्ति हैगी है उन्होंने पिछे हैगी है। तो मैं एक आम घर का जंपल डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो अपने किते नाल जिन्हें 40 साल लोगों की सेवा की, हम पिछले 5 साल पूरी अपनी लियाकत नाल, अपनी समझदारी नाल, अपने हल्के में सारे वो विकास कार्य पूरे करवाए, चाहे वह रेलवे ट्रैक डबल कराना होवे राजपुरा बठिंडे तक, चाहे वह रेलवे लाइन नूं बिजलीकरण कराना होवे राजपुरा बठिंडे तक, चाहे राजपुरे तो लैके मोहाली तक नवी रेल लाइन मंजूर करवानी होवे, चाहे पटियाले पासपोर्ट दफ्तर खुलाना होवे, चाहे 1000 स्कूलों जो बुनियादी ढांचा सुधारिया होवे जिस 1000 स्कूलों बच्चों टॉयलेट बेंच ते आरओ सिस्टम दिते होण, होर भी अनेक कारज कोई 2217 कार्ज असी इलाके विकास के महज 5 सालों कराए है। जेकर तुम 5 साल बनाम 15 साल का मुकाबला करोगे तो थोड़ा पता लगेगा कि आम घर का जंपल MP वो की होंगे तो महिला के MP की होंगे है। थोड़े फर्क साफ नज़र आएगा। सो अज सानू तुहाडी मदद की लोड़ हैगी है। ये लड़ाई डॉक्टर गांधी की और श्रीमती परनीत कौर की नहीं है, ये लड़ाई डॉक्टर गांधी के पंजाब सरकार हैगी है। सो इस करके पंजाब के भले लिए, पंजाब के भविख लिए, पंजाब के बच्चों के जरा चंगा एक विद्या, चंगी सेहत, चंगा रुजगार, चंगा बचपन, चंगा बुढ़ापा, चंगे पंजाब, सुनहरी पंजाब लिए और पंजाब के सिर मुड़ के इसकी पुरानी शानामती कलगी सजाने लिए अज मैं इन्हों शाही खानदान को, इन्हों शाही परिवारों को, इन्हों दो बड़े जिहड़े परिवारक राजनीति वाले परिवार हैगे इन्हां नूं चुनौती देना, इन्हां नूं हराना अपना फर्ज ही नहीं अपना धर्म भी समझना हैगा। मैं अपने आप नूं चोक दिता इस लड़ाई विच, मैनूं तुहाडी मदद की लोड़ है। थोड़ा 100-100 रुपया, 200-200 रुपया भी मेरे वास्ते बहुत ही मेरे वास्ते बड़मुला साबित होएगा क्योंकि अज पैसे की दौड़ में इन्होंने इलैक्शन इन्ने महंगे कर दिते हैं कि जे आप संजम नाल भी पैसा खर्चिए तां भी काफ़ी पैसे की लोड़ हैगी है। मैं नहीं कहता तुसी कोई अपनी वित्त तो वध के मेरे मदद करो, जिन्ना थोड़ा वित्त हैगा, जिनी थोड़ी गुंजाइश हैगी है उस मुताबक मेरी जी फंडिंग हैगी है, चाहे वह क्राउड फंडिंग का मेरा वैबसाइट से साइट हैगी है, चाहे वह सीधे असी झोली अड्डांगे हर गली, हर महल्ले, हर मीटिंग में, हर रैली में, ताकि पंजाब के लोग अपना फर्ज पछाणते हुए और पंजाब नूं इन्हां दो परिवारों की परिवारक राजनीति तो, लुट की राजनीति तो, पंजाब के जो साधना स्रोतों का जो इन्होंने घाण किया, जो लुटिया हैगा उसनू खत्म करने वास्ते पंजाब दो एक पंजाब दी विच एक नवी सियासत का दौर शुरू करने वास्ते जो पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस दे एक घटक के तौर पर डॉक्टर धर्मवीर गांधी पटियाले चोण लड़ रहा है, उस चोण को कामयाब बनाया जाए और शाही परिवारों को मुड़ के धूड़ चटाई जा सके ता जो पंजाब के आम लोगों वास्ते तरक्की दे भी ते सियासत दे भी दे दरवाजे है वो खुल सकन। सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखें।